वेलकम टू गुलनार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा, मज़ेदार सा और बहुत ही सिंपल है और झटपट होने वाली रेसिपी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, रात के डिनर में। बहुत ही इजी है और झटपट होने वाली रेसिपी है। हमने ये आलू लिए हैं 250 ग्राम, इसको बॉइल करके रखे हैं। अभी इसकी हम स्किन इस तरह से उतारेंगे। हमें ग्रेटर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम आलू को ग्रेट करेंगे। हमने इस तरह से इसको ग्रेट किए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे आलू जो अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट है ये ग्रेट करके, और आलू के जो पराठे हमारे रहेंगे वो नहीं फटेंगे और इसमें जो मसाला है वो अच्छी तरह से सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। और हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको एकदम फाइन चॉप किए हैं, और आधा मुट्ठी हरा धनिया, इसको भी हमने फाइन चॉप किए। 4 से 5 हमने इसमें पुदीने के पत्ते लिए हैं, मिंट लीव्स, इसको भी हमने फाइन चॉप किए हैं। और 1 टीस्पून चिली, ग्रीन चिली का पेस्ट है ये, ये 3 चिली का पेस्ट है, 3 हरी मिर्चियों का, इसको हमने बारीक बारीक पीस लिए हैं। और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, थोड़ा कम है 1 टीस्पून से, और हमने थोड़ा लेमन भी लिए 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। और ड्राई मसाले में हमें लगेगा 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और हमने आटा लिए है, जिस तरह रोटी का हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गूंदे हैं। ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट है। ये आलू को जो हमने ग्रेट करके रखे इसको एक बाउल में निकाले हैं। अभी इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, प्याज को शामिल करेंगे जी, चिली का पेस्ट, पुदीना और हरा धनिया, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें लेमन का रस भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठे में। चाट मसाला, कसूरी मेथी, चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका हमने एक डो बना दिए सारा मिक्स करके। अभी हम इसके छोटे छोटे इस तरह से पेड़े बनाएंगे। जो साइज़ का हमको रोटी के अंदर भरना है पराठे में, कम ज़्यादा आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं, मैं इतना रखने वाली हूँ। अभी इसके हम पेड़े बनाएंगे। हम एक पेड़ा लेंगे पहले और इसको थोड़ा सा बेलेंगे आटा लगाकर। इसको बीच में मोटाई रखना है, सिर्फ साइड से ही बेलना है। और अभी हम इसको इस तरह से कवर करें। हमने ये साइज के पराठे बेले हैं, आप छोटा बड़ा जो हिसाब से आपको खाना है आप वो हिसाब से बेल सकते हैं। मैंने ये साइज के बनाई हूँ। अब इसको हम सेकेंगे। ये हमने फ्राई पैन चढ़ा दिए, अभी गर्म हो गया है, इसको हम डालेंगे। इसको 1 मिनट पहले एक साइड से हम सेक के लेंगे। 1 मिनट हो गया, इसके लिए हम साइड चेंज करेंगे। अब इस पर हम ऑयल लगाएंगे, आप इसमें घी भी लगा सकते हैं। इसको चेंज करें, और ये साइड से भी हम ऑयल लगाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अब इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में और बाकी के भी हम इसी तरह बनाएंगे। अब दूसरा भी हम इसी तरह बनाएंगे।
ये हो गया रेडी। गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत गर्म है और एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से भी एकदम, इसकी फिलिंग जो हमने भरे है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या दही के रायते के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसको सुबह नाश्ते में, रात के डिनर में बना सकते हैं। क्विक रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।